हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग शेप्स क्वाड्रिलेटरल्स इंट्रोडक्शन पॉलीगॉन्स क्वाड्रिलेटरल्स स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नाउ इंट्रोडक्शन इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलीगॉन्स इन दिस क्लास वी विल फोकस अपॉन क्वाड्रिलेटरल्स but before moving further let us recall some of the facts about polygons polygons a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon in a polygon each line segment is called a side of the polygon and the point of intersection of consecutive sides is called a vertex a polygon can be named by naming each vertex with a capital letter. For example, in the adjacent figure A B C D, this one A B C D, valley figure is a polygon A B, comma, B C comma, C D, comma, D A. Are its sides A B, B, C, C D and D A. These are the sides and a b c and d are its vertex a b c and d these are the vortex now next convex and concave polygons convex polygon a polygon in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex polygon in the adjacent figure a b c d e ज ए कॉन्वेक्स पॉलीगोन ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगोन क्योंकि ईच एंगल इज लेस देन 180 एटी डिग्री राइट नाउ नेक्स्ट इज कॉन्केव पॉलीगोन ए पॉलीगोन इन विच द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन वन एटी डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्केव पॉलीगोन इन द एडजस्टेंट फिगर ए बी सी डी ई एफ इज ए कॉन्केव पॉलीगोन इन विच angle d e f angle d e f is more than one eighty degree here in this chapter we will be dealing with convex polygons only and they will be referred to as polygons. Now next is regular and irregular polygon first is regular polygon.

polygon now next is sum of the measure of the exterior angles of a polygon to find the sum of the exterior angles of a polygon draw a figure of hexagon of the floor with a piece of chalk now start from a and walk along ab on reaching b we will have to turn through angle 1 to reach at c यहाँ पे हमने एक पॉलीगोन बनाया ये ए से बी पे गए बी से जब हम सी की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा एंगल क्या बना एंगल टू रीच एट सी नाउ फ्रॉम सी टर्न थ्रू एंगल टू टू रीच एट डी सी से डी पे पहुंचने के लिए हमने एंगल टू का टर्न लिया फ्रॉम डी टर्न थ्रू एंगल थ्री टू रीच एट ई डी से ई e पे करने के लिए हमने एंगल थ्री का टर्न लिया नाउ from E turn through angle four. So continue to move in this manner until we return to line AB. इस तरह से हमने इस तरह से move किया जब तक कि हम वापस कहाँ नहीं पहुँच गए line AB पे. Hence we start from A and come back to A. That is we made one complete revolution or we turn through 360 degree. That is एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्स जितने भी हमारे ये एक्सटीरियर है ना फिगर के दीज आर एक्सटीरियर नोट दैट वट एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगोन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज थ्री सिक्सटी डिग्री कितनी भी साइड्स हो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा क्या रहेगा 360 डिग्री एनालिटिकल मेथड टेक एनी ऑफ द पॉलिगोन सपोज अ पेंटागोन पेंटागोन मींस फाइव साइड्स। हमने एक पेंटागोन लिया राइट right? तो यहाँ पे हमारा एंगल वन इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस एंगल ए ये एंगल ए है राइट right? अंदर तो 180 में से एंगल ए को माइनस किया तो हमारा एंगल वन आया इन द सेम वे एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी हमने एंगल टू को निकालने के लिए पूरा क्या है 180 डिग्री का है तो 180 में से हमने क्या माइनस किया एंगल बी सेम वे एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी एंगल फोर इज इक्वल टू वन डिग्री माइनस एंगल डी एंगल फाइव इज इक्वल टू वन डिग्री माइनस एंगल ई एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू सबकी वैल्यूज पुट कर दे यहाँ पे वन एटी माइनस एंगल ए प्लस माइनस एंगल बी प्लस माइनस एंगल सी प्लस वन एटी माइनस एंगल डी प्लस वन एटी माइनस एंगल ई तो वन एटी को एड किया तो कितना हुआ नाइन हंड्रेड डिग्री माइनस क्या बचा ए बी सी डी ई ऑल एंगल्स राइट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटोगाइव इज़ 540 डिग्री एक पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है 540 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 900 में से ये हमारा पेंटोग के इंटीरियर एंगल्स हैं, उसमें से 540 डिग्री को माइनस किया दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री नाउ मैथ समीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगोन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन एटी डिग्री किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं जितनी भी साइड्स हैं एन साइड्स नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी है उसमें से माइनस टू और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वन एटी डिग्री से इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन ऑफ एन साइड्स हर एक एंगल का मेजर निकालने के लिए एक रेगुलर पॉलीगोन रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल और नंबर ऑफ साइड्स क्या है कितने डिग्री का होगा एक दट इज 360 सिक्सटी डिग्री अपॉन एन राइट नाउ एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री सॉल्यूशन देखते हैं इसका लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। हमने नंबर ऑफ साइड्स क्या लिया एन एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ियर एंगल मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल तो थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय एक एंगल कितने डिग्री का दे रखा है ट्वेंटी फोर डिग्री का तो नंबर ऑफ साइड कितनी आई हमारी फिफ्टीन कितनी आई हमारी फिफ्टीन साइड है सो द रिक्वायर्ड पॉलीगॉन हैज फिफ्टीन साइड नेक्स्ट एग्जाम्पल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज फोर टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव सोल्यूशन देखते हैं इसका लेट द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन बी एक्स हमने एक्सटीरियर एंगल का मेजर ले लिया कितना एक्स राइट देन इंटीरियर एंगल कितना है उसका फोर टाइम्स तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फोर एक्स और दोनों इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाते हैं

थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स डिग्री दैट इज इक्वल्स टू टेन सो द हैज हैजेन साइड तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रीलेट्रल्स अड्रीलेट्रल इज अ क्लोज फिगर फोर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स लेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी Be four points in a plane such that no three of them are collinear and the line segments AB, BC, CD and DA do not intersect except at their end points. Then the figure made up of these four line segments is called the quadrilateral ABCD. In quadrilateral ABCD, first the four line segments A B, comma B C, comma C D and D A are called its sides. A B, B C C D and D A. Now second. The four points A, comma B, comma C and D are called its vertices. A, B, C and D. These are vertices. Third is the four angles. Angle A B C, comma, angle B C D, comma, angle C D A and angle D A B are called its angle to be denoted by angle A, angle B, angle C and angle D. These are A, B, C and D. These are the four angles. Next. The two line segments A C and B D are called its diagonals. A C opposite. पॉइंट्स को मैच करते हैं ए सी एंड बी डी दीज आर कॉल्ड द नाउ नेक्स्ट इज साइड्स टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजस्टेंट साइड्स इन द गिवन फिगर ए बी कॉमा बी सी बी सी कॉमा सी डी सी डी कॉमा डी ए एंड डी ए कॉमा ए बी आर फोर पेयर्स ऑफ एडजस्टेंट साइड्स ऑफ द क्वारेटर ए बी सी डी कौन कौन सी ए बी और बी सी ये एडजस्टेंट है बी सी एंड सी डी क्योंकि यह कॉमन पॉइंट है एंड पॉइंटीज आर द एडजेंट साइड नाउ अपोजिट साइड टू साइड्स ऑफ ए क्वारिलेटर आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट है कॉमन एंड पॉइंट द गिवन फिगर ए बी कॉमा डी सी एंड ए डी कॉमा बी सी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द कोडिलेटर ए बी सी डी अपोजिट जिनके एंड पॉइंट कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता तो हमारा ए बी किसके डीसी और बी सी हमारा डी ए का क्या है अपोजिट साइड नाउ नेक्स्ट इज एडजेंट एंगल टू एंगल्स

तो इस तरह से ये क्या है हमारे एडजस्टेंट एंगल्स जिनकी की एक कॉमन साइड होती है नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडज एंगल्स आर कॉल्ड इट्स अपोजिट एंगल्स इन द गिवन फिगर एंगल ए एंगल सी एंड एंगल बी एंगल डी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कौन कौन से एंगल ए एंगल सी का एंगल बी एंगल डी का ये हमारे क्या है इसके अपोजिट एंगल्स नाउ ट्राई दिस इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इन क्वाड्रिलेटरल एच ओ पी ई द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर एच ओ पी ई एच ओ पी ई ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी क्या है पेयर ऑफ अपोजिट साइड एच ओ एंड पीई ओ पी एंड ई एच दीज आर द अपोजिट साइड तो कौन कौन सी लिखेंगे हम यहां पे एच ओ और पीई एंड ओ पी एंड ई एच राइट इसी तरह से बाकी के फिलअप्स आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फर्स्ट इज पैलोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैलर इज कॉल्ड अ पैलोग्राम इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैलर टू डी सी एंड ए डी इज पैरलर टू बी सी सो ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम हमारा ए बी डी सी और बी सी डी ए के क्या है ए बी इज पैर टू डी सी दिस इज द साइन ऑफ पैरलर राइट नॉन एक्स इज रेक्टेंगलोग्राम इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल इन द एडिंग फिगर ए बी इज पैरलर टू डी सी कॉमा एडीजर टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड एडीजल टू बी सी एंड एंगल एक्ल टू एंगल बी इजल टू एंगल सी इज एंगल डील टू नाइंटी डिग्री तो यहाँ पे हमारी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होंगी पेरलर भी है और इक्वल भी है और एंगल इच एंगल इज ऑफ नाइंटी डिग्री सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल नाउ नेक्स्ट इज रोम्बस पेलोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इज रोम्बस इन डी एडी टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी टू सी डी टू डी ए इसमें हमारी ऑल अपोजिट साइड्स क्या है पैर भी हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस नाउ नेक्स्ट इज स्क्वाच all four sides are equal and all four angles are right angles is called a square in the adjoining figure ab is parallel to dc ad is parallel to bc and ab is equal to bc is equal to cd is equal to da and angle a is equal to angle b is equal to angle c is equal to angle d is equal to 90 degree opposite sides are parallel right and all sides are equal and each angle is of

is called an isosceles trapezium in the adjoining figure a b is parallel to d c and a d is equal to b c so a b c d is an isosceles trapezium Ki your known parallel sides hain, a d or c b they are equal now next is kite a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal is called a kite in the adjoining figure AB is equal to BC, AD is equal to DC, AB is not equal to CD and BC is not equal to AD. So ABCD is a kite. Now next is try these. Write T for true and F for false. First is every parallelogram is a rhombus. No, not every parallelogram is a rhombus. Not required. So it is a false statement. तो इसी तरह से बाकी के स्टेटमेंट आप खुद पढ़ेंगे और ट्रू फॉल्स लिखेंगे नॉ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरोोग्राम थियोरम प्रूफ दैट इन अ पैरोलोग्राम ए इज द अपोजिट साइड आर इक्वल बी इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सी इज डायग्नल बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ लेट एबीसीडी इज बी अलोग्राम ड्रॉ इट्स डायगनल ए सी हम एबीसी क्या ले लेते हैं पेलोग्राम ले लेते हैं और ए सी इसका क्या है डायगनल है फर्स्ट हम देखते हैं ए सी हमने क्या लिया डायगनल लिया इन ट्राइंगल ए बी सी तो हमारी फर्स्ट ट्राइंगल बनी ये वाली ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए वी हैव सी डी ए हमारी सी डी ए दो ए सी जो हमने डायगनल ड्रॉ किया उससे हमारी दो ट्राइंगल्स बनगी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू ऑल्टरनेट एंगल्स जब हमारी दो पैरलर लाइन को थर्ड लाइन क्रॉस करती है थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू ऑल्टरनेट एंगल्स ये हमारे क्या बने एंगल वन एंगल फोर ऑल्टरनेट एंगल थ्री एंगल टू एंड दे आर इक्वल एंड ए सी इजल टू सी ए दोनों में क्या है कॉमन है कॉमन हो गया तो हमारा क्या होगी ट्राइंगल्स प्रूव होगी कौन से उससे ए एस ए कॉन्गोर कंडीशन ए बी इज इक्वल टू डी सी क्योंकि हमारी ट्राइंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी तो सारी साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है ए बी इज इक्वल टू डी सी ंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सिमिलरली बाय ड्राइंग डी वी कैन प्रूव दैट इसी तरह से हम दूसरा डायगनल ड्रॉ करेंगे बी डी उससे भी हमारी दो ट्राइंगल्स बनेंगी ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी उनको भी हम सेम एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स और एक साइड कॉमन है तो कॉन्गोरेट प्रूव करेंगे सो so, ट्राइंगल ए बी डी सी डी बी और एंगल एज इक्वल टू एंगल सी दस ए बी इज इक्वल टू डी सी बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दिस प्रूव ए एंड बी इस तरह से हमारे ए और बी दोनों पार्ट प्रूव हो गए इन ऑर्डर टू प्रूव सी ए बी सी डी ड्रॉ किया दोनों डायगेल्स ड्रॉ किए और दोनों डायगनल्स हमारे किस पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी हमने दो ट्राइंगल ली ओ एंड ट्रैंगल ओ सी डी वी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरलोग्राम ए बी सी डी के इक्वल क्या है अपोजिट साइड ऑफ ए पैरलोग्राम जो इक्वल होती है एंगल एज इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी ओ ए बी ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी इक्वल है तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव होगी कॉन्गोरेंट ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल ओ सी डी बाई ए एस ए कांग्रेस कंडीशन सो ओ एज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दिस शोज दैट द डायगनल ऑफ ए पेरोग्राम बायसेकट इच अदर दोनों को वो क्या करते हैं बाइसेकट करते हैं कन्वर्सली एक्वार इज अ पेरोग्राम इफ फर्स्ट इज Its opposite sides are equal. B is its opposite angles are equal. C is its diagonals bisect each other. Right? Note that. A rectangle, a square, and a rhombus are special types of parallelograms. So, all the properties of a parallelogram are satisfied by each one of them. Now, next is diagonal properties of a rectangle. प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बायसे प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे इसको लेट एबीसीडी बी आर रेक्टेंगल हुएगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ राइट यह हमने क्या ले लिया एक यहां पे हमने क्या प्रूव करना था रेक्टेंगल ले लिया ठीक है और इसके दो डायग्नल ड्रॉ कर दिए ए सी एंड बी डी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी बी ए डी ये ट्राइंगल ले ली दोनों इधर वाली ठीक है ये वाली और ये वाली ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली राइट वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए ए बी इज इक्वल टू बी ए ये दोनों में कॉमन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंगल बी ये ए है ये बी ये सी और ये डी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कितना नाइन्टी डिग्री बी सी इज इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल और ट्राइंगल ए बीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एडी बाय साइड एंगल साइड कांग्रेस कंडीशन सो ए सी इज इक्वल टू बी डी तो side side. So, side side so, BD. So, हमारा

एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ डी सी ओडीसीनेट एंगल्स ओ ए बी ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है और ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल है एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी ऑल्टरनेट एंगल्स सो ए बी इज इक्वल टू सी डी ए बी और सी डी इक्वल है किसकी है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल सो ट्राइंगल

Diagonals properties of a rhombus. Theorem. Prove that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. Proof. Let ABCD be a rhombus whose diagonals AC and BD bisect at the point O. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other.

OB इस वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी COD सी दोनों ट्रायंगल्स ले ली सी बी इज इक्वल टू सी डी सी बी इज इक्वल टू सी डी क्या है रोमबस की साइड है इक्वल होती हैं और हमारी क्या है ओ सी ओ सी दोनों में क्या है कॉमन है दोनों में कॉमन है और ओ बी इज इक्वल टू हमारी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी अभी हमने प्रूव की है ये प्रूव है तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होगी हमारी कांग्रेस बाय साइड 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 कांग्रेस कंडीशन सो ट्राइंगल सीओबी इज कॉन्गरेट टू ट्राइंगल सीओ डी बाय साइड 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 कांग्रेस कंडीशन सो एंगल सीओबी इज इक्वल टू एंगल सीओ डी बट एंगल सीओबी प्लस एंगल सीओ डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री जो बनाते हैं हमारे लीनियर पेयर राइट तो सीओबी सीओबी क्योंकि दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है राइट right? अभी हमने इक्वल कि, प्रूव किया तो हमने COD की भी जगह क्या लिखा सीओ दैट इज इक्वल सीओ इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो सीओबी तो कितना आ गया हमारा वन एटी को टू से डिवाइड किया नाइनटी डिग्री हैंस द डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इसलिए रोम्बस के जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं नाउ नेक्स्ट इज डायग्नल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर चिम प्रूफ वी नो दैट द डायग्नल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल ऑल्सो वी नो दैट एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सो द डायग्नल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल ऑल्सो वी नो दैट

पेलोग्राम देन एडी इज पैरलर टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल एज अ ट्रांसवर्सल की हमारा एडी और बी सी पेर है और ये इसकी क्या है ट्रांसवर्सल है राइट सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री दट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज डिग्री सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इसी तरह से हमारी अगर ये पेरलर लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू डिग्री सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू वन एटी डिग्री दस सम ऑफ एनी टू एडजस्टेड ए पेरलोग्राम इज वन एटी डिग्री इससे प्रूव होता है कि दो एडजस्टेंट एंगल्स का जो सम है पेरलोग्राम में होता है डिग्री एनी टू एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 में से उसको माइनस कर देंगे नाउ नेक्स्ट एग्जांपल द एडजस्टेंट फिगर एच ओ पीई इज अ पेरलोग्राम फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स कॉमा वाई एंड जेड ऑल्सो स्टेट द प्रोपर्टीज यूज़ टू फाइंड हमें एक ये फिगर गिवन है एच ओ पी इसमें हमें एक्स वाई और जेड इनकी क्या निकालना है मेजरमेंट सोल्यूशन देखते हैं इसका एंगल एच ओ पी प्लस सेवेंटी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एच ओ पी एंगल एच ओ पी प्लस सेवेंटी डिग्री ये क्या है हमारा लीनियर पेयर है राइट right? ये कितना होगा वन एटी डिग्री तो एंगल एच ओ पी

अपोजिट एंगल्स ऑफ अलोग्राम आर दोनों अपोजिट तो एक कितने का डिग्री तो का हमारा 110 degree का आया. तो एक्स तो की वैल्यू आ गई यहां से हमारी 110 डिग्री एच ई इज टू ओपीड एच पी इज अ ट्रांसवर्सल तो वाई इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यहां पे हमारा वाई क्या है इन्होंने एच ई इज पैरलर टू ओपी एच ई एच ई इज पैरलर टू ओ पी राइट और ये हमारी क्या है इसकी ट्रांसवर्सल क्या है एच पी एच पी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल तो ये हमारे क्या है दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ये 40 डिग्री है तो वाई भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया 40 डिग्री ियर एंगल्स ऑल्सो एंगल ई पी ओ ये हमारा क्या है angle EPO. Angle e And angle angle ये एंगल ई पी ओ एंगल दोनों क्या है हमारे एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ ए पैरोग्राम और सप्लीमेंट्री दोनों का सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री तो एंगल ई पी ओ प्लस एच ओ पी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री राइट हमारे पास एच ओ पी का मेजर है वन हंड्रेड टेन डिग्री तो so, एंगल EPO प्लस HOP की जगह क्या रखा 110 डिग्री दैट इज़ इक्वल तू 180 डिग्री तो so, यहां से हमारा एंगल EPO आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज़ 70 डिग्री एंगल H इज़ इक्वल तू एंगल EPO एंगल H एंगल H इज़ इक्वल तू एंगल EPO EPO ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पेलोग्राम आर इक्वल सो फोर्टी डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू ईपीओ फोर्टी डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू ईपीओ ये फोर्टी डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू ईपीओ तो हमारा कितना आ गया ये ईपीओ है हमारा सेवनटी डिग्री तो फोर्टी डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री जेड की वैल्यू निकाली सेवेंटी डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू थर्टी डिग्री हेन्स एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री वाई इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू थर्टी डिग्री नो नेक्स्ट एग्जाम्पल इन पैरोग्राम ए बी सी डी एंगल डी टू वन ट्वेंटी बी सोल्यूशन देखते हैं इसका पेलोग्राम इज वन एटी डिग्री दो एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है तो एंगल डी हमारा एंगल ए का एडजस्टेंट है एंगल ए प्लस एंगल तो हमारा एंगल ए निकालने के लिए 180 में से 125 degree को क्या किया? किया. तो एंगल A कितना आ गया हमारा? 55 degree. और एंगल A plus एंगल B, दोनों क्या है? एंगल, दोनों का सम कितना होगा वन एटी डिग्री एंगल ए अभी हमने निकाला फिफ्टी फाइव डिग्री तो एंगल बी कितना हुआ 180 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस करेंगे 125 degree hence angle a is equal to 55 and angle b is equal to 125 degree now next example two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio four is to five find all the angles of the parallelogram solution carteska in parallelogram a b c d angle a and angle b are two adjacent angles

फोर प्लस फाइव इज नाइन एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एक्स की वैल्यू निकाली दैट इज नाइन टू जन ट्वेंटी डिग्री तो एंगल ए कितना आया एक्स की वैल्यू रख दो फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी एंड बी इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी डिग्री टू हंड्रेड डिग्री ऑल्सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं एंगल ए कितने डिग्री का है? 80 डिग्री तो एंगल सी भी कितने डिग्री का होगा एटी एंगल बी कितने डिग्री का है हंड्रेड डिग्री तो एंगल डी भी कितने डिग्री का होगा हंड्रेड डिग्री राइट सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी दैट इज टू डिग्री एंगल ए इज इक्वल टू एट्टी डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू एट्टी डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल द डायनल ऑफ ए पेलोग्राम ए बी सी डी intersect at O. XY contains O and X and Y are points on opposite sides of the parallelogram. Give reasons for each of the following statements. First is OB is equal to OD, B is angle OBY is equal to angle ODX, C is angle BOY is equal to angle DOX, D is triangle BOY is congruent to triangle DOX. Now स्टेट इफ एक्स वाई इज बाइसेक्टेड एट ओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका इन ट्राइंगल बी ओ वाई एंड ट्राइंगल डी ओ एक्स बी ओ वाई बी ओ वाई दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ओ एक्स दिस वन दिस टू ट्राइंगल्स ए इज ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ये ओ बी और ये ओ डी क्या है ये डाइगनल्स डाइगनल्स ऑफ ए पैरोग्राम बाई ईच अदर तो ये इक्वल हुए बी इज एंगल ओ बी वाई इज इक्वल टू एंगल ओ डी एक्स ओ बी वाई एंगल ओ बी वाई इज इक्वल्स टू एंगल क्या है ओ डी एक्स ये क्या है हमारे ओ बी वाई ओ डी एक्स ये ये हमारे क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों क्योंकि हमारा एडी पैलर है बी सी के सी है एंगल बी ओ वाई एंगल बी ओ वाई बी ओ वाई दिस एंगल एंगल डी ओ एक्स डी ओ एक्स दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दीज आर जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स डी इज ट्राएंगल बी ओ वाई इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल डी ओ एक्स बाय एंगल साइड एंगल कांग्रेन कंडीशन ऊपर दो एंगल्स और एक साइड उसकी इक्वल है तो इस वजह से हमारे क्या है वो कांग्रेन सो ओ वाई इज इक्वल टू ओ एक्स इसलिए हमारा ओ वाई क्या है ओ एक्स के इक्वल है इसलिए जो ओ है उस पर बाइसेक्ट हो रही है हमारी एक्स वाई राइट now next example the parameter of a parallelogram is 150 centimeter one of its sides is greater than the other by 25 centimeter find the length of all the sides of the parallelogram solution is come let one side of the parallelogram is equals to x centimeter देन इट्स अदर साइड इज x प्लस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो गिवन है हमारा तो हमने एक साइड उसकी क्या ले ली x सेंटीमीटर राइट right? तो अदर साइड हमारी क्या होगी x प्लस

सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस 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 बट पैरामीटर कितना गिवन है हमें तो फोर एक्स प्लस फिफ्टी को हम किसके सेंटीमीटर के तो फोर एक्स फिफ्टी अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा दैट इज 150 minus 50 is equal to 100. X की वैल्यू निकालेंगे तो अपोजिट साइड फोर डिवाइड हो जाएगा हंड्रेड अपॉन फोर इज इक्ल टू ट्वेंटी पैरेललोग्राम आर x सेंटीमीटर x प्लस एक्स सेंटीमीटर एक्स प्लस ट्वेंटी और एक्स प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवलीगाम्पल In the adjoining rectangle ABCD, diagonals intersect at O. If angle OAB is equal to 30 degree, find A is angle ACB, angle ACB and angle ABO, angle ABO, this angle and angle COD, angle COD. उट करना सोल्यूशन देखते हैं इसका इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी ए बी एंड सी इसमें हमारा क्या है ए बी सी ए बी सी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री डिग्री के के हैं 90 एंगल क्या है ये हमारा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 तो ये हमारा ये हो गया 180 डिग्री इसमें से हमारा बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है ए हमें दे रखा है 30 डिग्री तो यहां से हमारा एंगल आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस वन ट्वेंटी डिग्री टू 180 डिग्री एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस कर देंगे दैट इज 60 डिग्री ए सी इज इक्वल टू बी डी ए सी हमारा बी डी के इक्वल है क्या है ये हमारे डायगनल्स डायगनल्स हमारे इक्वल होते हैं डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं तो हमारा ओ ए हम ए सी को कैसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी लेकिन हम दोनों को क्या लिखेंगे डबल ए ओ इज इक्वल टू हमारा ओ बी ओ डी के इक्वल है तो पूरा बी डी को हम डबल ओ बी भी लिख सकते हैं टू टाइम्स BO. यहां से हमारा टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा ए ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ओ राइट तो हमारा क्या हुआ AO इज इक्वल टू बी ओ ए के इक्वल है तो हमारे क्या है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए बी में हमारी साइड इक्वल आ गई तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री हमारा आ गया नाउ सी पार्ट इन ट्राइंगल बी एंगल बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्रैंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री इसमें से दो एंगल्स हमारे पास हैं थर्टी डिग्री और 30 डिग्री के तो एंगल एओ बी कितना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अपोजिट साइड लाके तो हमारा कितना आ गया एओ बी हमारा वन ट्वेंटी डिग्री और एंगल सीओ डी इज इक्वल टू एंगल एओ बी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नाउ डी पार्ट एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडीवल टू वन एटी डिग्री क्या बनाते हैं वो दोनों लीनियर पेयर क्या बनाते हैं लीनियर पेयर एंगल बीओ सी प्लस सीओडी हमें वन ट्वेंटी डिग्री तो बीओसी कितना आ जाएगा वन एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी डिग्री दैट इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री राइट नो नेक्स्ट एग्जाम्पल द डायग्नल ऑफ ए रोम्बस आर सिक्स सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द रोम्बस सोल्यूशन देखते हैं इसका लेट ए बी सी डी बी और रोमबस इन विच डायगनल ए सी इज टू एट सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ये हमने एक रोमबस लिया ए बी सी डी जिसमें ए सी हमारा एट सेंटीमीटर है और बी डी हमारा कितना है डायगनल सिक्स सेंटीमीटर सिंस द डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल राइट एंगल का मतलब AO. AO हमारा क्या, है? पूरे का ये क्या है एक दूसरे को जो डायगनल्स हैं यहाँ पे बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट right एंगल भी होता है 90 डिग्री तो हमारा ओ ए या एज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और AC AO कितना AC कितना दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर तो AO कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर इसी तरह से BO 1/2 ऑफ BD BO BO हमारा 1/2 ऑफ BD और BD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ से हमारा BO कितना आ गया हम ये 3 सेंटीमीटर नाउ इन ट्रायंगल ये हमारी क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्राइंगल AOB, A, बी ए इसमें से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा AO कितना आया 4 सेंटीमीटर और OB कितना है 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमने AO की जगह 4 सेंटीमीटर और OB की जगह कितना लिखा थ्री सेंटीमीटर फोर फोर जा सिक्सटीन थ्री थ्री टोटल किया दैट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एबी स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर है फाइव सेंटीमीटर तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा आंसर फाइव एबी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज फाइव सेंटीमीटर नाउ ट्राई दीज नेम हुज डायग्नल फर्स्ट इज बायसे ईच अदर किसके बायसेक्ट करते हैं रोमबस के भी करते हैं रेक्टेंगल के भी करते हैं ठीक है रेक्टेंगल के भी करते हैं तो इसी तरह से आपको बताना है कौन कौन से क्वारेटर्स के डायगनल बायसेक करते हैं और बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स भी आपको बतानी है इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे आई होप आपको चैप्टर समझ आया इसकी रिविजन आप खुद कीजिए